भजन लाल जी का कोई एमएलए, भजन लाल जी खुद को भी पता नहीं पीछे की लाइन में बैठे थे और एक घंटे पहले भोजन और टेंट की व्यवस्था संभाल रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से की गई टिप्पणी पर सियासी बवंडर खड़ा हो चुका है। बीजेपी ने डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की सामंतवादी सोच करार दिया। बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया कि कांग्रेस अपनी सियासी जमीन बचा नहीं पा रही, इसलिए एक आम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर इस तरह की ओछी बयानबाजी की जा रही है। दरअसल बीते दिन जोधपुर प्रवास के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार को लेकर कहा था कि बीजेपी ने दरी पट्टी उठाने और भोजन की व्यवस्था करने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया। डोटासरा ने पूछा कि विधानसभा चुनाव में जनता ने भजनलाल शर्मा के नाम पर वोट दिया था क्या? किसी व्यक्ति ने यह सोचकर वोट दिया था क्या कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे? जनता को मोदी का चेहरा दिखाया तो उनको सीएम बनाया जाता। डोटासरा ने तो यहां तक कह दिया कि एक भी फैसला मुख्यमंत्री या उनका मंत्रिमंडल स्वविवेक से नहीं ले पा रहे, इसलिए हम इस सरकार को पर्ची की सरकार कहते हैं। तो चलिए पहले डोटासरा का वो बयान ही सुन लीजिए जिस पर ये बवाल मचा है। कानून बना दिया, वो कानून बनने के बाद में अभी पता नहीं है कब लागू होगा, कब जनगणना होगी, कब डिलिमिटेशन होगा, कब महिला आरक्षण लागू होगा नहीं होगा, एक साथ चुनाव का राग अल्पा दिया, तो नई नई चीजें ला करके और लोगों को मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान में 2 महीने सरकार हो गए बने हुए, आप बताओ जी, लोग कहते हैं आप इनको पर्ची सरकार क्यों कहते हो? ये पर्ची से निकली है भाई साहब। जनता चाहती थी क्या? एक आदमी ने कभी, मीडिया के भाई ने या किसी व्यक्ति ने कभी ये दिमाग में रखा था इस बात को लेकर के कि भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे इसलिए मैं वोट कर रहा हूं? एक आदमी का नाम बता दो मेरे को, भजनलाल जी का कोई एमएलए, भजनलाल जी खुद को भी पता नहीं पीछे की लाइन में बैठे थे और एक घंटे पहले भोजन और टेंट की व्यवस्था संभाल रहे थे, वो उसको भी कह रहे हैं कि नहीं साहब देखो हमने ऐसा कर दिया। डोटासरा के इस बयान पर बीजेपी में सियासी उबाल उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस के नेता राजस्थान में हुई अपनी करारी हार को पचा नहीं पा रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर जिस तरह से ओछा बयान दिया है, उस बयान ने उनकी सामंतवादी सोच को दर्शाया है। सुनिए डोटासरा के बयान के बाद बीजेपी डोटासरा पर किस कदर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के नेता जो राजस्थान में उनको करारी हार मिली उसको पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह का बयान दिया है, जिस तरह का ओछा बयान दिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक तरफ अपने आप को किसान का पुत्र कहते हैं, दूसरी तरफ सामंतवादी सोच को दर्शाते हैं। एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत से राजस्थान की शीर्ष स्थान पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उसके बारे में भी इस तरह की बातें करना, सामंतवादी बातें करना, यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी की रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया है। राजस्थान में इसी अहंकारी सोच के कारण गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनकी इसी अहंकारी सोच के कारण कांग्रेस की दुर्दशा राजस्थान में हुई है। और आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि आज राजस्थान को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बदहाल हाल में कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे, आज जो भजनलाल शर्मा जी जिस तरह मेहनत करके राजस्थान में गरीब को उसका हक दिलाने के लिए और राजस्थान में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जिस तरह प्रयास कर रहे हैं, और बावजूद इसके कांग्रेस के नेता इस तरह की ओछी बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कई और नेताओं ने भी डोटासरा के इस बयान पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने कहा कि समय बदल गया है, एक परिवार की परंपरा, वंशवाद की परंपरा समाप्त हुई, सामान्य परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री हुआ और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है। पार्टी ने किसान परिवार, निष्ठावान कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है। वही डोटासरा को घेरते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस को गरीब आदमी, चाय बेचने वाले, खेतियर या मजदूरों से इतनी परेशानी क्यों होती है? कांग्रेस में तो गरीब, दरी पट्टी बिछाने वाले तो क्या, तलवे चाटने वाला ही सीएम बन सकता है।
बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें दरी बिछाने वाला आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। खैर, सीएम भजनलाल पर की गई गोविंद डोटासरा की टिप्पणी अब उनके लिए ही मुश्किल खड़ा करती नजर आ रही है। मई लोकसभा चुनावों से पहले डोटासरा के इस बयान को कांग्रेस के सेल्फ गोल के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब कांग्रेस का यह सेल्फ गोल आने वाले चुनावों में उसे कितना नुकसान पहुंचाएगा और बीजेपी क्या वाकई डोटासरा के इस बयान से लोगों की सिंपैथी कनेक्ट कर चुनावी फायदा ले पाने में कामयाब होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।